3 लाख लोग जो है पूरे भारत में 3 लाख लोग जो है इंफेक्टेड हो जा रहे हैं। 1500 लोग कल मर गए हैं, ये तो सरकार बताती है, लेकिन आप जैसे कॉलोनी है ना, यहाँ पे कोई मर जाता है तो कोई सरकार गिनने नहीं आती है, समझ रहे हैं ना। तो हम लोग कोशिश हम लोगों की डॉक्टरों की है, एम्स के डॉक्टर हैं, ये लोग आए हैं आपके बीच ये बताने कि सरकार सिर्फ उन अमीरों के वहाँ पे देख रही है, लेकिन यहाँ पे नहीं पहुँच रही है। आपको खुद जागरूक होना पड़ेगा। माता जी आपने वैक्सीन लगवाया, टीका लगवाया? टीका लगा, बहुत अच्छी बात है। जो भी 45 साल से ऊपर है टीका लगवाइए। बहुत खराब स्थिति आने वाली है, कल से लॉकडाउन है, पता है ना। लॉकडाउन में कौन मरता है? कोई अमीर नहीं मरता है, सबके घर में साल भर का राशन, साबुन, तेल सब रखा रहता है। गरीब जो ठेला चलाता है, जो 20 रुपये रोज कमाता है, वही मरता है और कोई नहीं मरता है। ये हमने देखा है, पिछले लॉकडाउन में भी देखा और ये भी होने वाला है। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, साबुन दे रहे हैं, जितनी बार हो सके उतनी बार हाथ धुलिए, बच्चों को हाथ धुलवाइए। घर जाने से, घर से बाहर निकलते वक्त पहले हाथ धुलिए, घर में आइए पहले हाथ धुलिए, समझ रही हैं बात माता जी। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, हाथ धोना, मास्क लगाना, सिर्फ सोते वक्त मास्क निकालो और सामान खरीद के रख लो, सामान खरीद के रख लीजिए, क्योंकि लॉकडाउन अभी 1 हफ्ते का हुआ है, कुछ पता नहीं है, कम महीने का लगा दे। बात समझ रहे हैं आप? आप बात समझ रही हैं क्या कह रहा हूँ? बच्चों की बहुत देखभाल करनी है। इस बार जो है पहले बार की तरह नहीं है कि 65 साल, 70 साल, 80 साल के लोग मर रहे थे। अब की बात 35 की उम्र के लोग, 30 साल की उम्र के लोगों की मौत हो गई है। दूर रहिए, ठीक है? फिर कोई फायदा नहीं होगा, हम सबको देंगे, हम देने आए हैं, देने आए हैं, सबको मिल जाए। ऐसे मत करिए, नहीं तो मैं दे नहीं पाऊंगा। कपड़े वाला मास्क, ठीक है? एक मिनट की बात है, आगे भी होंगे। आपके बारे में इतना पढ़ा है, ये पुलिस वाले भैंस का कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन मगर हो रहा था ना बिहार में, तो इन्होंने बहुत ट्रीटमेंट करी बच्चों की। आप जो है ये बहुत हाथ धुलना सिखा देंगे सबको? ये 6 स्टेप इतने जरूरी हैं कि जान लीजिए आप 90% जो है मास्क लगा के हाथ धुल के, क्योंकि ऐसी जगह पे हम रह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की बात करना तो बेमानी है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, अंगूठा, हाँ, ये गोल 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 घुमाना है दोनों तरफ, ये 4th स्टेप हो गया। नकल्स आप भूल गई, नकल्स, हाँ, ये नकल्स भी धुलने जरूरी रहते, क्योंकि वायरस यहाँ पे भी छिपा रहता है। नकल्स ऐसे, हाँ, हाँ जी। और छठवा जो है ये कलाई, हाँ, यू करके आप बताओ, इसके बाद तुम्हारी बारी रहेगी। ये साबुन आप ले लीजिए, आपने हाथ धुला ही नहीं? जो हाथ धुला तुम तो धुल रहे थे ना, दीजिए एक और, मेरे बच्चे को नहीं दो, मेरे पड़ोसी का दो क्या हुआ, ताला लगा क्या जाते मेरे, तो हाथ धुलाना सिखा दूंगा मैं पड़ोसी को, इधर गया मेरे पड़ोसी, उसका हाथ धुलाना सिखा दूंगा, तुमको मिला ना घर में, एक घर में एक। मास्क है, मास्क कहाँ लगाए हुए हैं, मास्क
मास्क लगाइए, इतनी गंदगी यहाँ पे ऐसी है, ये वायरस पे फैल जाएगा। नीचे दिखा दो जी, नीचे दिखाइए। नहीं ये दिखा रहे हैं क्या, आप भी आदमी हैं, हम ये दिखा रहे हैं आप भी आदमी हैं, फिर भी कैसे रहते हैं। और आपके जैसे ही बाहर निकलोगे तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगे हैं, वहाँ कितने आराम से लोग रहते हैं। आप में और उनमें, आदमी में कोई भगवान ने, अल्लाह ताला ने फर्क नहीं ना बनाया है, तो यहाँ आदमी ने बना दिया फर्क, आपको जानवरों की तरह रहने पे मजबूर किए हुए हैं। क्या यार, तो केवल आप ही लोग हैं जो यहाँ पे आते हैं लोगों से बात करने, और कोई नहीं आ रहा सरकार से? जब तक हम क्लस्टर से कोरोना ऐसा चीज है ना, कोविड अगर एक बंदे के पास भी है तो कल ये तीसरी वेव आएगी, फिर भी फिर चौथी वेव आएगी। हमें तो अगर पूरे इंडिया से कोरोना हटाना है तो हमें हर क्लस्टर पे कोरोना की जो रोकथाम के जो उपाय हैं वो बताने पड़ेंगे। देयर आर थ्री पॉइंट्स वी हैव गॉट। द फर्स्ट थिंग इज गवर्नमेंट हैज लेट डाउन देयर गार्ड। सेकंड थिंग इज द पेंडेमिक फटीग इटसेल्फ, यू नो पीपल हैव बीन यू नो फेड अप विद दिस, दैट वेयरिंग मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग एंड गेटिंग सो मेनी यू नो स्पीचेस अबाउट दैट। तो पेंडेमिक फटीग जो है इंडिया में बहुत बुरी तरह से एटलीस्ट इन अ लोअर स्टेटा एकदम जम चुका है। एंड द थर्ड थिंग इज दैट द पीपल इटसेल्फ हैज लेट डाउन देयर गार्ड। तो हम लोगों की जो सबसे पहली कोशिश है, कम से कम उन लोगों को ये बताने की कोशिश की जाए कि अभी लेट गार्ड को लेट डाउन करने